अगर तो आप कैलिफोर्निया में बिजनेस करते हैं, स्मॉल रिटेलर, लिकर स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, इवन रेस्टोरेंट्स, एनी काइंड ऑफ स्मॉल बिजनेस, तो आप एक बिल जो अभी पास हुआ है, सेनेट बिल 553, उससे आप प्रभावित होने वाले हैं। और इस बिल की काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए यहाँ पर सैक्रामेंटो कैपिटल में, लेकिन 12 सितंबर को इस बिल को पास कर दिया गया। अब इस बिल की कंट्रोवर्सी ये है कि उससे कुछ रिटेलर्स का, स्मॉल रिटेलर्स का एक्सपेंस बढ़ेगा। बिल का जो मेन मोटो है वो है वर्क प्लेस में क्राइम को प्रिवेंट करना, और उसमें एक आउटलाइन ये है कि अगर आपके स्टोर पे, आपके बिजनेस पे कोई शॉपलिफ्टिंग करता है तो आपके एम्प्लॉई उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य है कि वायलेंस ना हो, आपका पैसा लूज हो रहा है, दे रियली डोंट केयर। और इसको एक चीज से और जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे कहते हैं कि भी शॉपलिफ्टर्स कैन वॉक अवे विद द $950 वर्थ स्टफ इन द पॉकेट एंड नथिंग्स गोना हैपन। अब इसका अगर आप फैक्ट चेक करें तो ये बिल्कुल गलत है। इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात, ये है 2014 का प्रोपोजिशन 47, जिसमें $1,000 तक के क्राइम को मिसडमीनर में डाल दिया गया था। तो आज भी कैलिफोर्निया में आप चाहे $1 की चोरी करिए, दैट इज स्टिल अ क्राइम, मिसडमीनर फॉर 6 months ऑफ जेल एंड $1,000 इन फाइन। तो ऐसा कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है कैलिफोर्निया में कि आप $950 की चोरी करके निकल सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा। नो, अगर आपके स्टोर में कोई रॉबरी या कुछ हो रहा है, यू हैव अ सिक्योरिटी गार्ड, फाइन, अगेन यू कैन नॉट कीप अ सिक्योरिटी गार्ड बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल बिजनेस। और अगर आप पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस विल नेवर से नो, दे'ल कम एंड दे'ल डू व्हाटएवर दे नीड टू डू बिकॉज इट इज स्टिल अ क्राइम इन कैलिफोर्निया। सो किसी भी अगर चीज को आप सपोर्ट करें और किसी भी चीज के आप अगेंस्ट जाएं, तो उसे पढ़ जरूर लिया कीजिए। सो बिल्स के लिए, कैलिफोर्निया बिल्स के लिए, आई वांट टू गिव यू अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं ये जो नया बिल पास हुआ है उसके बारे में भी, और जो भी बिल आने वाले होंगे या फिर इस साल जो पास हुए होंगे उसकी सारी स्क्रिप्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो हियर इज द लिंक एंड हियर इज द वेबसाइट where you can go and find everything off. Thank you.